हाय गाइस, देखिए आज एक कटहल का रेसिपी शेयर करूंगी जो कि खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि ये मटन जैसा लगता है खाने में बिल्कुल ही। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कटहल था, उसको फिर हम लोग बांट लेते हैं। मम्मी इधर बना रही थी, देखिए हमसे तो बनता भी नहीं है। मम्मी बना रही थी इधर, और इधर चाची बना रही थी। दोनों तरफ दोनों जन मिल के पूरे बना रही थी कटहल को। उसके बाद देखिए यहाँ पे मसाला का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अदरक और लहसुन जीरा ये सबको रख लिए थे और ग्राइंडर में पीस लिए थे। यहाँ पे देखिए जो कटहल को बनाए थे उसको अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार। यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको धो लेंगे। उसके बाद धो के इसको फिर अच्छे से रख लेंगे, निकाल के सब कटहल को अच्छे से धो के यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूल्हे पे कढ़ाई चला देते हैं। कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे। यहाँ पे तेल गरम होते होते में इधर प्याज काट के रख लिए थे। यहाँ पे देखिए प्याज को डाल देते हैं अच्छे से फ्राई होने के लिए। यहाँ पे प्याज देखिए, सारा प्याज को जो काट के रखे थे वो अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पे आज चूल्हे में ही बना रहे थे खाना, देखिए काफ़ी टेस्टी बनता है इसीलिए, और धीरे धीरे अच्छा से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से प्याज को भी भुंजा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे प्याज भुंजा जाएगा। ऐसे बनाइएगा आप सब भी, एक बार ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगेगा और काफ़ी जल्दी ही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कटहल को अच्छे से धो के रख लिए थे। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा कटहल का बीज भी हो गया था जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए अब प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया था। अब इसमें मसाला डालेंगे जो पेस्ट बना के रखे थे। यहाँ पे देखिए जितना मसाला पेस्ट बना के रखे थे यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भी थोड़ा देर तक भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन जीरा मरीच मिर्चा का पेस्ट है सबको वहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए सूखा मसाला सब ऐड कर देंगे। यहाँ पे हल्दी को डाल देते हैं। हल्दी के डालने के बाद यहाँ पे धनिया मिर्च धनिया का मसाला डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जी मसाला डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे थोड़ा देर तक। यहाँ पे देखिए सारा मसाला को यहाँ पे डाल देते हैं और अब इसको भी थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। देखिए कितना सुंदर मसाला में कलर आ गया है। अब थोड़ा देर के लिए भूंजेंगे इससे तो इससे ऑयल भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से मसाला भुंजा के तैयार हो गया। इससे देखिए अब यहाँ पे तेल भी बाहर आने लगा है। अब थोड़ा देर में यहाँ पे कटहल जो रखे थे बना के उसको यहाँ पे डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा से मसाला भुंज के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो कटहल काट के रखे थे जो साफ करके रखे थे यहाँ पे देखिए डाल देंगे। यहाँ पे अब बस 1 मिनट में और डाल देंगे। यहाँ देखिए आ गया हमारा कटहल। अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं। आप सभी भी ऐसे ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारा कटहल को डाल देते हैं और इसको भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पे देखिए मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारा कटहल को। कितना स्वादिष्ट अभी से ही देखने में लगने लगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा देर कटहल को भूंजने के बाद फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। यहाँ पे 2 चम्मच अपना अनुसार हम नमक डाले थे। आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक को डाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नमक डाल के भी अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि इसको जितना फ्राई करिएगा उतना सुंदर लगेगा खाने में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसको ढक के छोड़ देंगे। अच्छे से अपने से ही यहाँ पे बॉयल हो जाएगा और ज्यादा देर नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई होके हो गया था रेडी। इसको थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी टाइप में बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को चावल के साथ खाना था। देखिए आप कुछ ही देर में बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एक बार आप सभी भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा, काफी टेस्टी बनेगा और काफी जल्दी बनेगा। बाय बाय गाइस।